मैं देख रहा हूँ जिस तरह से एग्जिट पोल को धन शक्ति का दुरुपयोग करवा के जिस तरह से सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार गलत नहीं बल्कि झूठे साबित हुए, वो लगा कि सरबारी गा रहे थे वो लोग। और आसनसोल के टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 63,000 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार एसएस आलूवालिया को हराया है। वहीं टीएमसी समर्थकों में खुशी उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल बाजा आतिशबाजी कर खुशियां मनाई जा रही हैं। देखिए क्या कहना है शत्रुघ्न सिन्हा का। बाद अभी ले लेता हूं सर, पूरे देश को लेकर क्या कहेंगे सर? इंडिया जोट की सीटें काफी बेहतर आई हैं। मैं देख रहा हूं जिस तरह से एग्जिट पोल को धन शक्ति का दुरुपयोग करवा के जिस तरह से सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार गलत नहीं बल्कि झूठे साबित हुए, वो लगा कि सरबारी गा रहे थे वो लोग और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की, जबकि लोगों की मान्यता थी, लोग जानते थे और मानते थे इस बात को कि इस बार यूनाइटेड ऑपोजिशन छा जाएगी, एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया ब्लॉक या यूनाइटेड ऑपोजिशन सामने आएगी, ममता जी इस बार गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी, ये हम शुरू से कह रहे थे। और साथ में ये भी कह रहे थे कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी बोले, बंगाल में ममता जी इस बार स्वीप करेंगी और करके उन्होंने दिखा दिया। ये जो जीत हुई है ये आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत है, ये ममता जी का हमारे प्रति विश्वास की जीत है, ममता जी के नेतृत्व की जीत है, टीएमसी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है, और सबसे ज़्यादा ममता जी के व्यक्तित्व का जादू जो लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है उसकी जीत है। 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं अभी, पता नहीं वो सब तो आपका काम है बताना, मैं सर्टिफिकेट बाजा वाले को बोलो।